राजस्थान के नागौर में हुए सड़क हादसे में उज्जैन जिले के 3 गांवों की 12 लोगों की मौत हुई है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्वजन विलाप करने लगे। जानकारी लगने के बाद उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह और SP सत्येंद्र कुमार शुक्ला मृतकों के गांव पहुंचे। राजस्थान के नागौर में हुए सड़क हादसे में उज्जैन जिले के 3 गांवों के 12 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्वजन विलाप करने लगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद उज्जैन SP और कलेक्टर मृतकों के गांव पहुंचे। क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग राजस्थान स्थित रामदेवरा मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। जो तूफान गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई उसमें 18 लोग सवार थे। हादसे में 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 6 लोगों की हालत गंभीर है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर गांव में पहुंचे हैं। गांव के रहने वाले 4 लोगों की मौत हुई है, अन्य घायलों का उपचार किया जा रहा है। आसपास के जिले के भी लोग शामिल हैं। एक दुखद घटना आज सुबह नागौर जिले में राजस्थान के हुई थी, जहां पर रामदेवरा मंदिर के दर्शन के लिए जो लोग गए थे, जिनमें से कुछ लोग हमारी घटिया तहसील के हैं और ख़ासतौर पर दौलतपुर गांव के, जहां भी हम लोग खड़े हुए हैं वहां के भी लोग रहने वाले हैं। सज्जन खेड़ा के भी कुछ लोग हैं और यहाँ के 4 लोगों की आइडेंटिफाई हुए हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है। इनमें से कुछ की हालत गंभीर है, कुछ की डेथ भी हुई है। बाकी मेरे और SP साहब के द्वारा यहाँ पर, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से आके हम लोगों ने परिवार को संबल प्रदान किया है और जो वहाँ पे घायल हैं उनका इलाज ठीक ठाक चल रहा है। वहाँ पे जो प्रशासन है, वहाँ का जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, उससे हम लोग लगातार टच में हैं। कुछ लोगों की जिनकी दुखद मृत्यु हुई है उनको लाने की अच्छी तरीके से व्यवस्था कर दी जाए उनकी डेड बॉडीज़ की, ये भी हमारे द्वारा सुनिश्चित किया गया है। डेड बॉडीज़ वहाँ से रवाना भी हुई हैं। जो भी सरकारी सहायता और इस प्रकार की चीज़ें बनती है वो भी हमारे द्वारा बहुत जल्द ही आज के आज ही प्रदान करी जाएंगी। और अभी तक हालांकि कुछ इन घटिया तहसील के लोग हैं, 1-2 लोग यहाँ से बाहर भी हैं, शायद आगे जिले के रहने वाले हैं, तो वो हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं कि जितने भी लोग यहाँ के हैं उनका इंतज़ाम हमारे द्वारा किया जाए। बाकी अगर बाहर के लोग भी हैं तो तत्काल जिला प्रशासन अगर उसकी खबर कर दी जाए। पहली सूचना हमारे पास जैसी ही आई थी उस समय ही सीधे ही हमने SP नागौर से संपर्क किया, घटना के संदर्भ में जानकारी ली है और उनका सबका इलाज वहाँ चल रहा है जो लोग हैं, और बाकी जिनके मृतक हुए हैं उनका यहाँ लाने की व्यवस्था के लिए SP नागौर से मेरा संपर्क हो गया है और मुझे लगता है अगले 1-2 घंटे में वो सब पूरी वहाँ की फॉर्मेलिटीज पूरी होकर सभी लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। क्योंकि प्रथम दृष्टया जो बात आई थी दौलतपुर और सजन खेड़ा गाँव की आई थी, अभी यहाँ हम लोग वेरीफाई किए हैं, दौलतपुर के 4 लोगों की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा कुछ लोग शायद इनके रिश्तेदार आगरा जिले के भी हैं, उसके संदर्भ में हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। हादसे का मुख्य कारण जीप का ओवरलोड होना बताया जा रहा है। तूफान जीप 12 सीटर है लेकिन उसमें 18 लोग सवार थे। इस दर्दनाक हादसे पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बैंडवाल की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।